एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चैप्टर के टॉपिक्स कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन एंड सेविंग फंक्शन इक्वेशन के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो हमें ये बॉक्स गिवन है, इस बॉक्स को हमने फिल करना है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम गिवन है हमें, 0, 50, 100, 150, 200 and 250। ये इनकम लेवल्स गिवन है और कंजप्शन भी गिवन है। इनकम एंड कंजप्शन गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट सेविंग्स, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन वाई, चेंज इन सेविंग, एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। इन सारे बॉक्सेस को हमने फिल करना है बाई यूजिंग दीज फॉर्मूलाज जो कि हमने पिछली वीडियोज में कर लिए हैं। तो वो फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। एंड अगर हमने सेविंग फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दिस फॉर्मूला, इनकम माइनस कंजप्शन। वी हैव गिवन इनकम हेयर एंड कंजप्शन इज ऑल्सो हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटिंग दिस बॉक्स, वी हैव टू फाइंड आउट सेविंग्स। सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करनी है, इनकम में से हम कंजप्शन माइनस कर देंगे, क्योंकि इनकम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग है। अगर हमें कंजप्शन पता है, इनकम भी पता है, तो हम इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम कितनी है, 0, और कंजप्शन कितनी है, 20। 0 माइनस 20 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग्स माइनस 20। ये हमारे पास सेविंग्स आ गए माइनस 20। फिर इसके बाद 50 इनकम है, कंजप्शन कितनी है माइनस, कंजप्शन कितनी है 60, तो 50 माइनस 60 करेंगे माइनस 10। 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 140 10, और 200 माइनस 180 कितना आ जाएगा 20, एंड 250 माइनस 220 कितना आ जाएगा 30। तो हमने फर्स्ट बॉक्स जो है वो सेविंग्स वाला कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने निकालना है चेंज इन कंजप्शन। जो चेंज इन कंजप्शन है वो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंजप्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ कंजप्शन दिए होते हैं उसमें से, जैसे हमने फर्स्ट जो चेंज इन कंजप्शन है उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो फर्स्ट बॉक्स हम ब्लैक रखेंगे। 60 माइनस 20 कर दो, 60 माइनस 20 कर दो तो कितना आ जाएगा 40। इसी तरह से 100 माइनस 60 कर देंगे 40 आ जाएगा। फिर इसके बाद 140 माइनस 100 कर दो 40, एंड वंस अगेन 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा 40, एंड 220 माइनस 180 कितना आ जाएगा 40। तो ये जो चेंज इन कंजप्शन है ये सारे लेवल्स पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्योंकि हमने कंजप्शन का जो चेंज लिया है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बाय कॉन्स्टेंट यूनिट्स। सो इसलिए जो चेंज इन सी आया है वो भी कितना आया है, कॉन्स्टेंट यूनिट से आया है, यानी 40 40 40 के साथ। फिर इसके बाद हमने निकालना है चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, इनकम का लेवल कितना चेंज हो रहा है, इनकम का लेवल फर्स्ट जो है वो कि चेंज नहीं है तो ब्लैंक रख लेते हैं इसको। फिर 50 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा 50, 100 माइनस 50 करेंगे 50, 150 माइनस 100 50। तो इनकम का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है सेम यूनिट्स के साथ, 50 50 का चेंज है, तो ये चेंज इन वाई हो गया। फिर इसके बाद हमने चेंज इन सेविंग्स निकालनी है। चेंज इन सेविंग्स का भी वही तरीका है, हमने क्या करना है, फर्स्ट यूनिट तो हमारा वो ब्लैंक ही आएगा, तो माइनस के 10 है इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं माइनस 20। माइनस 10 माइनस माइनस 20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस के 10 है प्लस के 20 है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 10। इसका मतलब सेविंग्स में चेंज कितना आया है, जब इनकम लेवल 50 है तो सेविंग्स में चेंज कितना है, और यहाँ पे सेविंग्स कितनी है माइनस 10 है, तो इन सेविंग्स का जो चेंज है वो कितना आ गया है 10। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेविंग्स है 0 माइनस माइनस 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 10। इसी तरह से 10 माइनस 0 करेंगे 10, 20 माइनस 10 10, एंड 30 माइनस 20 10। तो ये हमारे पास चेंज इन सेविंग्स आ गया। इसके बाद हमने निकालना है एपीसी। एपीसी किसके इक्वल होता है, सी अपॉन वाई। जो एपीसी की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी वो किसकी रेशियो होगी, कंजप्शन एंड इनकम की। तो यहाँ पे देखिए सी कितना है 20 और वाई कितना है 0, 20 ओवर 0,
तो ये हमारा ब्लैंक जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 50, 60 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे 1.2 आएगा, फिर 100 डिवाइडेड बाय 100, सी ओवर वाई करना है, 100 डिवाइडेड बाय 100 1, इसी तरह से 140 डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा हमारे पास 0.93, फिर इसके बाद 180 को 200 के साथ डिवाइड करेंगे 0.90, फिर 220 को जब 250 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.88। तो ये हमारे पास एपीसी की वैल्यूज आ गई हैं। तो एपीसी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एपीसी कैन बी मोर देन वन, एपीसी कैन बी इक्वल टू वन, एंड एपीसी इज ग्रेटर देन जीरो, एंड वी कैन से दैट लेस देन वन। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन, एपीसी इक्वल टू वन, एंड एपीसी कैन बी लेस देन वन। सो इसके बाद हमने APS की वैल्यूज निकालनी है। APS की वैल्यूज जो हमने APC और APS का रिलेशनशिप किया था, हमने उसमें बोला था कि APC और APS दोनों का जो प्लस करके किसके इक्वल होता है 1 के। अगर हमने APC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इस APC की वैल्यू को अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, APS। सो APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC भी कर सकते हैं और S अपॉन Y भी कर सकते हैं। अगर आप S अपॉन Y कर दो तब भी आपके पास APS की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे 1 में से माइनस कर रही हूँ, 1 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.2। फिर इसके बाद 1 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 0.93 ये आ जाएगा 0.07, इसी तरह से 0.90 माइनस करेंगे 0.10, 0.12। सो ये हमारे पास APS की वैल्यूज आ गई हैं। APS कैन बी नेगेटिव, APS कैन बी जीरो, एंड APS कैन बी ग्रेटर देन जीरो। फिर इसके बाद आ गया MPC। MPC जो होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, या हम 1 माइनस MPS भी कर सकते हैं, लेकिन MPS की वैल्यूज ऑलरेडी हमें नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यानी जितना हमारे पास चेंज इन सी आया है उसको हर बारी हम चेंज इन वाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो बॉक्स है वो फिल हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, तो 50 जो है इनकम का चेंज है और 40 क्या है, कंजप्शन का चेंज है, तो 40 डिवाइड बाय 50 करेंगे, 40 डिवाइड बाय 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। सिमिलरली सभी जगह पे चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम जो है वो सेम है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, 0.8 सेम होगा, 0.8 0.8 0.8 एंड 0.8। इसी तरह से MPS निकालना है। MPS जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, लेकिन हम 1 माइनस MPC भी कर सकते हैं क्योंकि MPC प्लस MPS 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 MPS इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस MPC। तो MPC की वैल्यूज हमें पता है तो हम MPS की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.2 0.2 0.2 एंड 0.2। सो ये बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको ये बेसिक जो कुछ भी पूछ सकते हैं, इनकम और कंजप्शन लेवल देख के कुछ भी पूछने को बोल सकते हैं, एपीसी निकालने को बोल सकते हैं, एमपीसी निकालने को बोल सकते हैं, तो ये आपने इन फॉर्मूलाज को यूज करके निकालना है। इसके बाद ये तो हो गया कि हमारे पास इनकम लेवल 250 था तो कंजप्शन कितनी है 220, इनकम लेवल 100 है तो कंजप्शन कितनी है 100, एंड इनकम लेवल 50 है तो कंजप्शन कितनी है 60, एंड सो ऑन, 200 है तो 180। अगर आपसे पूछा जाए कि कंजप्शन जब 1000 लेवल ऑफ इनकम है तो कंजप्शन कितनी होगी, या इनकम लेवल अगर 2000 है तो कंजप्शन कितनी होगी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन करनी होगी। कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन क्या होती है, तो यानी कंजप्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कंजप्शन यानी सी, ये किसकी इक्वल होती है, कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन ये इक्वल होती है सी बार प्लस डी इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए सी बार जो सी है, कंजप्शन है, वो क्या है, दो चीज़ों का प्लस है, सी बार प्लस बी वाई।
तो ये सी बार क्या है? सी बार क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो भी कंजप्शन होगी उसको हम सी बार बोलते हैं, यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सी है वो कितनी है? 20 है। तो इट मीन टू से यहाँ पे जो सी बार है वो है 20 ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो यहाँ पे बी जो है, बी क्या है? बी यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपको बुक्स में बी दिया हुआ है, तो ये बेसिकली एमपीसी के इक्वल होता है। तो एमपीसी ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, यानी इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आया है उसकी जो रेशियो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये किसके इक्वल हो गया? बी के। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है वो कितनी है? 0.8। तो हमें यहाँ पे एमपीसी की भी वैल्यू पता है। अब इनकम लेवल, इनकम लेवल मैंने कहा है कि 1000 इनकम लेवल के ऊपर कंजप्शन कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है हमने। 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बना लूँ तो कंजप्शन कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनकम लेवल मैं कितना ले लेती हूँ? 1000। इनकम इज इक्वल टू 1000 करोड़। तो इन तीन चीजों को अगर हम बी को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूँ, सी कंजप्शन किसके इक्वल होगी? ये होगी 20 प्लस एमपीसी। एमपीसी कितना है? 0.8। और इनकम कितनी है? 1000। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 20 प्लस 0.8 इसको रिमूव कर दिया, 0.8 8 ओवर 10 इंटू 1000। जीरो जीरो से कट हो गए तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 800, दिस इज 820। इसका मतलब क्या है? 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी होगी? 820। तो ये कंजप्शन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 2000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन निकालनी है तब भी हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो बेसिकली कंजप्शन जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो वही रहेगी, एमपीसी भी सेम रहेगी, बस सिर्फ हमने क्या करना है, इनकम लेवल 1000 की जगह पे यहाँ पे क्या कर देना है? 2000 कर देना है। तो हमारे पास कंजप्शन कितनी आ जाएगी जो हम सॉल्व करेंगे? जैसे 2000 लेवल दिया हो तो वो कंजप्शन कितनी होगी? 20 प्लस 0.8 इंटू 2000 कर दो। तो यहाँ पे 20 प्लस 8 अपॉन 10 इंटू 2000 करेंगे, ये कितनी आ जाएगी? 20 प्लस 1600, तो ये आ जाएगी 1620। इट मीन टू से कंजप्शन जो है, अगर इनकम लेवल 2000 होगा तो कंजप्शन कितनी होगी? 1620 करोड़। तो ऐसे हम कंजप्शन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमें इनकम लेवल पता हो, एमपीसी पता हो और ऑटोनॉमस कंजप्शन पता हो। तो ये कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन जो है इसको हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन बोलेंगे। क्यों क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो कंजप्शन का चेंज है, कंजप्शन जो है कॉन्स्टेंटली सेम रेट के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर डिफरेंस देखें तो कंजप्शन इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ रही है, लेकिन उसके जो बढ़ने का रेट है वो सेम है। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस 40-40 क्या है। तो यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है, इट मीन टू से ये कौन सा फंक्शन होगा? लीनियर कंजप्शन फंक्शन होगा। तो इसी तरह से हम सेविंग्स भी अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। तो वैसे तो सेविंग्स अगर हम 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स निकालना चाहें तो वो तो हम बड़े आराम से, अगर ये फॉर्मूला लगा दें एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो बड़ी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, 1000 इनकम है, कंजप्शन हमारी कितनी है? 820। तो सेविंग्स कितनी होगी? 180 हो गई। अगर 2000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमने कंजप्शन निकालनी है, सॉरी सेविंग्स निकालनी है, वो भी हम कर सकते हैं। 2000 माइनस 1620, तो ये कितना आ जाएगा? 380। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग्स हमने इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने सेविंग्स सेविंग इक्वेशन से निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो सेविंग इक्वेशन कैसे करते हैं? सेविंग्स किसकी इक्वल होती है? सेविंग्स इज इक्वल टू, हमें क्या पता होना चाहिए? जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमें सेविंग्स पता होनी चाहिए, यानी जितना हमारा ये कंजप्शन है जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर वो कितना हो जाएगा? माइनस, मतलब जो सेविंग्स है वो माइनस 20 हो जाएंगी, यानी ये जो सी है, सी बार जो होगा वो हमारा 20 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सी बार। जो सेविंग्स है वो किसकी इक्वल होती है? माइनस सी बार प्लस
1 माइनस बी इंटू वाई, 1 माइनस बी, जैसे b मैंने यहां पे बताया था MPC है, यानी 1 माइनस MPC करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा MPS, 1 माइनस b करना है यानी 1 माइनस MPC करना है, b किसके इक्वल था MPC के इक्वल था, अगर हम 1 में से MPC माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी MPS की, यानी अगर हमें सेविंग इक्वेशन सेविंग निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो नेगेटिव c बार यानी जितना जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन है उसी को नेगेटिव कर देना है, और हमें एमपीएस पता होनी चाहिए और इनकम लेवल जिस इनकम लेवल के ऊपर हमने सेविंग्स निकालनी है, जैसे ये 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमने कंजप्शन निकाली है वो कितनी है, कंजप्शन हमने निकाली है 820, तो हमें यहाँ पे सेविंग्स निकालनी है इस सेविंग इक्वेशन को यूज करके, तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स कितनी है 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, तो ये हमारे पास माइनस सी बार है यानी ये जो 20 है ये कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस बी, बी कितना था हमारे पास 0.8, तो जब हम 0.8 को 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.2, तो यहाँ पे MPS की वैल्यू, इसको हम MPS लिख लेते हैं, 1 माइनस बी को क्या लिख सकते हैं MPS, MPS इंटू वाई, तो 0.2 लिख लिया, और इनकम लेवल कितना है हमारे पास 1000, इनकम लेवल कितना है 1000, अब क्या आएगा माइनस 20 प्लस 0.2, 2.10 इंटू 1000 कर दो तो ये हमारे पास कट गया 200 आ गया, माइनस 20 प्लस 200 तो ये कितना आ गया 180, तो उस फॉर्मूले से भी हमने कितना निकाला था 180, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी 180, अगर हम सेविंग इक्वेशन से सेविंग्स को निकालना चाहे तो वो भी कितनी आई है 180, तो सेविंग्स हमारे पास कितनी आ गई 180, तो इसी तरह से हम 2000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी कंजप्शन निकाल दें, मतलब कोई भी लेवल ऑफ इनकम दिया हो उसके ऊपर हम कंजप्शन और सेविंग निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो सेविंग फंक्शन इक्वेशन एंड कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन पता हो, कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन पता है तो हम सेविंग फंक्शन इक्वेशन भी बड़े आराम से निकाल देते हैं, तो इसका मतलब बेसिक जो है वो क्या है कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन, ये किसके इक्वल होता है c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई यानी MPC इंटू वाई, और जो सेविंग फंक्शन इक्वेशन है वो किसके इक्वल होता है माइनस सी बार प्लस MPS इंटू वाई, तो अब हम करेंगे इसी के साथ इन इक्वेशंस के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सो लेट्स डू दैट, नाउ वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, वी हैव गिवन कंजप्शन इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y, कंजप्शन फंक्शन हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है डिराइव सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन से हमें सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है, एंड फाइंड सेविंग्स व्हेन इनकम इज इक्वल टू 500 करोड़, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो सी जो है कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन या कंजप्शन क्या होती है दिस इज इक्वल टू सी बार प्लस MPC इंटू वाई, तो हमें ये इससे क्या निकालना है हमें सेविंग फंक्शन निकालना है, तो सेविंग फंक्शन किसके इक्वल होता है माइनस सी बार प्लस MPS इंटू वाई, ये हमारा क्या है सेविंग फंक्शन है, तो इस कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे 120 दिया हुआ है 120 यहाँ पे क्या है सी बार है, सी बार इज इक्वल टू कितना है 120, अगर ये चीज़ जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन हमारी 120 है तो सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, इसका मतलब जो हमने कंजप्शन यहाँ पे करी थी वो हमने पास सेविंग से करी थी तो ये जो हमारी सेविंग्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी यहाँ पे सी बार की जगह पे हम माइनस एस भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस 120, यहाँ पे जो ऑटोनोमस कंजप्शन 120 थी पॉजिटिव थी तो जब हम इसको सेविंग फंक्शन में डिराइव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 120, और MPC और MPS का प्लस कितना होता है MPC प्लस MPS दिस इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमें MPC की वैल्यू पता है, MPC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.4 है, तो MPS हमने निकालनी है, MPS इज इक्वल टू कितनी होगी 1 माइनस 0.4 दिस इज 0.6, तो यहाँ पे हम 0.6 ले लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा y, तो ये हमारा सेविंग फंक्शन डिराइव हो गया, ये हमारा सेविंग फंक्शन डिराइव हो गया, लेकिन अब हमने फाइंड आउट करनी है 500 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स कितनी है, 500 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग कितनी है, तो हम इसमें बस इनकम की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 120 प्लस 0.6 इंटू 500,
minus 120 plus 6 upon 10 into 500. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 120 प्लस 50 इंटू 6 300, 300 में से 120 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 180 करोड़. इट मीन टू से जब हमारे पास इनकम लेवल जो है वो 500 है तो हमारे पास सेविंग्स कितनी हो गई हैं, 180 करोड़. तो ये हम ऐसे कंजप्शन फंक्शन अगर हमें गिवन हो तो हम सेविंग फंक्शन बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं और उसी के साथ रिलेटेड जो भी हमें इनकम लेवल गिवन होगा उससे हम सेविंग्स निकाल सकते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें सेविंग फंक्शन गिवन है, हमें सेविंग फंक्शन इनकम गिवन है. सेविंग फंक्शन कितना है, माइनस 20 प्लस 0.3y. डिराइव कंजप्शन फंक्शन, इस सेविंग फंक्शन से हमें कंजप्शन फंक्शन को डिराइव करना है और फाइंड कंजप्शन व्हेन इनकम इज 1000 करोड़. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन को डिराइव करना है. तो सेविंग फंक्शन देखिए किसके इक्वल होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस या माइनस सी बार लिख सकते हैं प्लस एमपीएस इंटू वाई. एमपीएस इंटू वाई इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस सी बार यानी माइनस 20 है वो हमें गिवन है, 0.3 हमें एमपीएस गिवन है और इनकम लेवल जो है वो हमने सेम रखना है क्योंकि सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन में जो इनकम लेवल है वो सेम वही रहता है. तो यहाँ पे देखिए माइनस सी बार, हमें कंजप्शन फंक्शन डिराइव करना है. कंजप्शन फंक्शन में जो ये माइनस सेविंग्स नेगेटिव होंगी वो क्या हो जाएगा, कंजप्शन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो ये जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे सी बार ले लेंगे प्लस इस एम पी एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एम पी सी आएगा इंटू वाई आएगा. तो ये जो माइनस 20 है यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, सी बार जो है वो 20 हो जाएगा. और एम पी सी की वैल्यू, एम पी एस हमारे पास 0.3 है, एम पी सी कितना आ जाएगा, 0.7. कैसे आएगा, हमें पता है कि अगर हमें एम पी एस फॉर्मूला पता है, हमें एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एम पी सी. एम पी सी जो है ये, और साथ में हम अगर हमें एम पी एस एम पी सी फाइंड आउट करना है तो ये किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस एम पी एस. तो यहाँ पे हमें एम पी एस की वैल्यू पता है 0.3, तो 0.31 में से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 0.7. तो यहाँ पे एम पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7y. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शन फंक्शन डिराइव हो गया. सेविंग फंक्शन हमें पता था, हमने कंजप्शन फंक्शन डिराइव कर लिया. अब हमने कंजप्शन फाइंड आउट करनी है एट 1000 लेवल ऑफ इनकम, एट 1000 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी है वो फाइंड आउट करनी है हमने. तो कंजप्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे बस कंजप्शन फंक्शन को यूज करना है. y की वैल्यू यहाँ पे 1000 पुट कर लो बस, ये आ जाएगा 20 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 1000. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 700, तो ये आ जाएगा 720 करोड़. इस कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग जब y जो है वो 1000 करोड़ है तो कंजप्शन कितनी आई है, 720 करोड़. तो क्लियर हो गया आपको कि सेविंग फंक्शन गिवन हो तो हम कंजप्शन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और कंजप्शन फंक्शन गिवन हो तो हम सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं. तो ये तो थे न्यूमेरिकल्स. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.